हेलो दोस्तों, आप सारे लोगों को पता है कि पाई नेटवर्क अभी अपने इनक्लोज्ड मेननेट पीरियड में चल रहा है और पाई नेटवर्क जब तक ओपन मेननेट के अंदर नहीं जाएगा तब तक हम लोग पाई क्वाइन का यूज नहीं कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि इनक्लोज्ड मेननेट पीरियड कब तक चलेगा, ओपन मेननेट हमारा कब स्टार्ट होगा और कब हम लोग पाई क्वाइन का यूज कर पाएंगे। और इसके अलावा और भी जो नए अपडेट आए हैं पाई नेटवर्क से रिलेटेड उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इनक्लोज्ड मेननेट पीरियड क्या होता है और ओपन मेननेट पीरियड क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देखिए, पाई नेटवर्क ने इनक्लोज्ड मेननेट पीरियड इसीलिए लेकर आया ताकि ओपन मेननेट आने से पहले जितने भी पायनियर्स हैं, जितने भी पाई को माइन करने वाले हैं, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया जाए, उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए ताकि वो लोग पाई कॉइन का अच्छे से यूज कर सके। इसीलिए जो पाई नेटवर्क का इनक्लोज्ड मेननेट पीरियड है इसमें जो भी इश्यूज है उसी पर काम किया जा रहा है। देखिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों की केवाईसी नहीं हो पा रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही है और हर वीडियो में लगभग इस पर हम डिस्कस करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या अपडेट है, वो सारा कुछ हम बताते हैं। और आज की इस वीडियो में फिर से हम आपको बता रहे हैं, देखिए बहुत सारे तरीके अपना रही पाई कोर टीम की कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, जितने भी पायनियर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, नए नए तरीके ला रही है ताकि लोग अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर पाए। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम यह है कि कैसे आखिर नाम चेंज करें, तो यहां पर सी हाउ पे क्लिक करके अपने नाम को चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है जितने भी यूजर्स को, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है पाई कोर टीम इनक्लोज्ड मेननेट पीरियड के अंदर, ताकि जब ओपन मेननेट आए पाई नेटवर्क का उस वक्त लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि उस वक्त पाई क्वाइन का यूज पाई इकोसिस्टम में होने लगेगा। तो इसीलिए ये इनक्लोज्ड मेननेट पीरियड लाया गया है ताकि जितने भी इश्यूज है वो सारे इश्यूज सॉल्व कर दिया जाए और जितने भी डेवलपमेंट का काम है वो सारा अच्छे से हो सके। क्योंकि जब मेननेट लाइव होगा तो उसके बाद ज्यादा काम डेवलपमेंट पर नहीं होगा, पाई की प्राइस को बिल्ड करने में लगेगा, सारा काम सारा फोकस उसी पर होगा। तो इसीलिए इनक्लोज्ड मेननेट पीरियड में ये सारा काम किया जा रहा है, जो भी इश्यूज है वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है और इसके अलावा जो इकोसिस्टम है उसे भी बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है ताकि पाई कॉइन का यूज बहुत अच्छे तरीके से पाई इकोसिस्टम में किया जा सके। आपको अब यह समझ में आ गया कि इनक्लोज्ड मेननेट पीरियड क्या है और ये पाई नेटवर्क ने क्यों लेकर आया है। अब बात करते हैं पाई नेटवर्क जब ओपन मेननेट में आ जाएगा उस वक्त क्या होगा। तो देखिए, वैसे बहुत सारे लोगों को तो समझ में आ गया होगा, जब ओपन मेननेट में पाई नेटवर्क आ जाएगा तो उस वक्त हम लोग पाई कॉइन का यूज फ्रीली कर पाएंगे पूरी तरीके से पाई को सिस्टम में, यानी कि उससे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं आसानी से। बहुत सारे एक्सचेंजेस पर आपको लिस्ट होता हुआ भी दिख जाएगा, बहुत सारी चीजें स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि आपके पास जितना पाई कॉइन होगा अभी उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, अभी असल महीनों में इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, हम लोगों के पास सिर्फ कॉइन है। लेकिन जब ओपन मेननेट आएगा तो उस वक्त इसकी वैल्यू होगी और एक पाई की वैल्यू कितनी होगी ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से इनक्लोज्ड मेननेट और ओपन मेननेट पीरियड काम करता है। अब बात करते हैं यहां पर कि ओपन मेननेट पीरियड कब स्टार्ट होगा, आखिर ये जो इनक्लोज्ड मेननेट है ये कब तक चलेगा। तो देखिए, अभी आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिए कि अभी बहुत सारी इश्यूज है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है और बहुत सारे लोगों की केवाईसी अटकी पड़ी है और जब तक केवाईसी कंप्लीट नहीं हो जाती हर पर्सन की, हर पायनियर्स की, तब तक ओपन मेननेट पीरियड नहीं आएगा। तो अब आप लोग अंदाजा लगा लीजिए अभी से कितना टाइम लग सकता है। अभी से मेरे अकॉर्डिंग लगभग 6 से 7 महीने तक का समय लग सकता है पूरी तरीके से, हो सकता है इससे कम भी लग जाए। क्योंकि देखिए, अगर अपडेट बहुत अच्छा आता है, अगर ये जो केवाईसी का इशू है अगर ये सॉल्व होता है तो समझिए कि 2 महीने के अंदर बहुत सारे लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। और मैंने आप लोगों से कहा था कि सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीने केवाईसी का महीना होगा और इसमें मैक्सिमम लोग अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद होगा कॉइन माइग्रेशन का काम, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने केवाईसी कंप्लीट की, माइग्रेट भी कर दिया, चेकलिस्ट पूरा कंप्लीट है लेकिन कॉइन उनके वॉलेट में रिसीव नहीं हुआ है, तो फिर इस पर भी मान लीजिए काम चलेगा तो 1 से 2 महीने इस पर भी लगेंगे। इसके अलावा इकोसिस्टम को बिल्ड करने में 2 से 3 महीने लगेंगे। तो ओवरऑल देखें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम मेरे हिसाब से 6 से 7 महीने तक का समय लग सकता है अभी ओपन मेननेट पीरियड लाइव होने में। और सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है कि ये खुद के ब्लॉकचेन पर रन कर रहा है, तो सारी जो इश्यूज है या जो भी ब्लॉकचेन को क्रिएट करना होगा या ब्लॉकचेन को मजबूत बनाना होगा तो अभी ही सारा काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब मेननेट आएगा तो उस वक्त अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूरा ये प्रोजेक्ट बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए जो भी टाइम लगना है इसी इनक्लोज मेननेट पीरियड के अंदर लग जाए ताकि हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, तो इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा भी टाइम लग रहा है। आई होप कि आप लोग सारी चीजें समझ गए होंगे कि क्यों अभी टाइम लग रहा है और जो भी प्रॉब्लम है वो कब तक सॉल्व हो पाएंगे और इनक्लोज्ड मेननेट पीरियड और ओपन मेननेट पीरियड क्या है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। इसके अलावा पर्सनली पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो नए अपडेट आए हैं उसके बारे में, पाई नेटवर्क से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज, बहुत सारे अपडेट आए हैं उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। यहां पर अब हम आ चुके हैं ट्विटर पर, यहां पर कुछ चीजें हम आपको दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में, पिछले कई वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा
था कि बिटकॉइन इसीलिए लाया गया था ताकि इसे पेमेंट के रूप में यूज कर सके, जो अभी सेंट्रलाइज करेंसी चलती है उसकी जगह पर एक डिसेंट्रलाइज करेंसी चले। लेकिन ऐसा तो बिटकॉइन अभी कर नहीं सका और ऐसा फ्यूचर में हमें होता हुआ भी दिख नहीं रहा है, लेकिन पाई नेटवर्क को इसीलिए बनाया गया है और कहीं ना कहीं पाई नेटवर्क अपने काम में सक्सेस भी हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें, गौर से देखें, तो यहाँ से पाई से ट्रांजेक्शन की जा रही है। ओवरऑल लगभग ट्विटर पर यही अपडेट, यही फुटेज, यही वीडियोज आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप, तो इस तरीके से बहुत सारे फुटेज और वीडियोज वायरल हो रही है। इसका मतलब यही है पाई नेटवर्क जिसके लिए डेवलप किया गया था वही काम, वही सब चीजें पाई नेटवर्क से हो रही है। लोग वैसे ही पाई कॉइन का यूज कर रहे हैं। एक दो वीडियो या फुटेज नहीं, हजारों लाखों वीडियोज और फुटेज आपको ट्विटर पे रेगुलर ट्रेंड होते हुए दिखेंगे। अब देखिए आप लोग इस वीडियो को भी देखिए, ये भी काफी बड़ा वीडियो है पाई नेटवर्क के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक पूरा रेस्टोरेंट ही पाई नेटवर्क के लिए खोला गया है। देखिए यहाँ पर वीडियो को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पर डॉक्टर निकोलस का फोटो, ये देखिए इस तरीके से वीडियोज और फुटेज वायरल हो रही है। पाई नेटवर्क को इस तरीके से लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, तो अब समझ सकते हैं कि पाई का जो यूज केस है वो कितना बड़ा है। यही दिखाने के लिए हम ट्विटर पर आए थे और इसके अलावा बहुत सारे वीडियोस, फुटेज इस तरीके के से लाखों हजारों आपको दिख जाएंगे ट्विटर पे। तो हम आपको ज्यादा नहीं दिखाएंगे, लेकिन एक से दो हम आपको जरूर दिखाएंगे ताकि इससे आपको पता चल सके कि पाई का यूज केस क्या है, क्योंकि विदाउट यूज केस किसी भी कॉइन का कुछ नहीं हो सकता है। आई होप कि आप लोग सारी चीजें यहाँ पर समझ पाए होंगे और जितने भी लोगों ने ट्विटर पर फॉलो नहीं किया फॉलो जरूर करें। अब यहाँ पर देखिए इस फोटो में आपको पाई भी दिख जाएगा, यहाँ पर बाय एंड सेल दिख जाएगा, इसके अलावा इथेरियम है, लाइट कॉइन है, तो बहुत सारी चीजें पाई नेटवर्क से रिलेटेड वायरल हो रही है और बहुत सारी चीजें रियल भी है लेकिन बहुत सारी चीजें फेक भी आ रही है। लेकिन ये जो वीडियोस और फुटेज आप देख रहे हैं ये 100% रियल है, क्योंकि इसमें कोई फेक नहीं है। ठीक है, ये चीज आप समझ ले, क्योंकि फेक और रियल में भी आपको डिफरेंस पहचानने आना चाहिए। तो ये जितने भी वीडियोज और फुटेज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ये सारा रियल है। यहां पर देखिए बहुत सारे फुटेज और वीडियोज देखने को मिल जाएंगे और जितने भी लोगों ने ट्विटर पर फॉलो नहीं किया फॉलो जरूर करें, क्योंकि यहां से भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मिलती है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि एक पाई कॉइन की प्राइस आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए एक जेन्युइन तरीके से। जैसे कि यहां पर आप देखेंगे कॉन्सेंसस वैल्यू, ये देखिए पॉसिबल नहीं है, इतना हम लोग सपोर्ट करेंगे सही है, लेकिन इतना बहुत मुश्किल है, स्टार्टिंग में इंपॉसिबल हम लोग कह सकते हैं। तो एक जेन्युइन प्राइस कितना हो सकता है यूज केस के थ्रू और जो भी यहां पर इकोसिस्टम में पाई से रिलेटेड जो भी चीजें डेवलप की जा रही है उसके थ्रू आपके हिसाब से एक पाई कॉइन की प्राइस क्या होगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जितने भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। और जो हम लोग का सेकंड चैनल है SMR डिजिटल फाइनेंस, उसे भी आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां पर जो वीडियोज आ रही है बहुत सारे लोगों की वहां से अर्निंग हो रही है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है वहां पर। तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।